हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आज की एक नए वीडियो के अंदर। भाई काफी सारे दोस्तों में कमेंट आ रहे थे यार, हम अगर ग्रो ऐप के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम इंट्राडे ट्रेडिंग में यहाँ पर शेयर को चूज करें जिससे कि हमें डेली के डेली प्रॉफिट हो। तो यार आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी कमाल की होने वाली है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर लाइव पूरी डिटेल आपको बताऊंगा किस किस तरीके से आपको यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, और भाई इंट्राडे ट्रेडिंग में यहाँ पर आपको किस तरीके से आपने जो शेयर वगैरह है वो चूज करने हैं। तो यार पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपको ना हमारे चैनल पर इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहती है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपने है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। चलो चलते हैं अभी फटाफट ग्रो ऐप के अंदर, और आपको वहां पर बताता हूँ किस तरीके से आपको ग्रो ऐप के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको साइड में देखने को मिल जाएगी पूरी डिटेल। सबसे पहले तो आपको ग्रो ऐप के अंदर अगर अपने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो भाई आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पर दीजिएगा, आपका अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता है, यहाँ पर 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर मेन आता है, देखो यार तीन तरीके की ट्रेडिंग होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, दूसरी होती है आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग, और तीसरी होती है यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है सुबह मार्केट जब ओपन होती है शाम को मार्केट बंद होने तक का ये चलती है। अगर आप खुद से उसको सेल कर देते हो तो वो ठीक है, नहीं तो वहां पर आपका 50 रुपये चार्ज लगता है, ऑटोमेटिकली वो आपका सेल हो जाती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, 3:15 से पहले पहले आपको उसको सेल करना होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो हम आ चुके हैं यहाँ पर। अभी देखो मार्केट जो है ना काफी ज्यादा डाउन जा रही है, आप यहाँ पर देखो निफ्टी फिफ्टी भी कितनी ज्यादा डाउन चल रही है, और बैंक निफ्टी भी यहाँ पर अभी के टाइम में डाउन चल रही है। हमें यहाँ पर ये चीज़ देखनी होती है कि भाई हम जो यहाँ पर शेयर बाय कर रहे हैं वो हमें डेली का प्रॉफिट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में भाई डेली अगर आपको जो भी आपने शेयर बाय किया है अगर आपको आज की डेट में वो प्रॉफिट दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी दे रहे हैं तो और आपको सेल तो उसको करना ही करना होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इंट्राडे ट्रेडिंग इसी चीज़ को कहते हैं, डेली का प्रॉफिट, डेली का लॉस जो भी हो रहा है वो ऑटोमेटिकली आपका सेल हो जाता है। अब यहाँ पर मेन आता है हमें किस तरीके से यहाँ पर हम ट्रेडिंग करें इंट्राडे ट्रेडिंग जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। यहाँ पर देखो यार काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एफ एंड ओ है, इंट्राडे का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑल स्टॉक है, आईपीओ है। आईपीओ अभी फिलहाल में यहाँ पर अपकमिंग जो आईपीओ है वो आपको यहाँ पर सारे के सारे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको आना है इंट्राडे ट्रेडिंग पर, यहाँ पर टॉप इंट्राडे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आज के डेट में यहाँ पर टॉप चल रहे हैं यहाँ पर वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे वोडाफोन आइडिया वाला है, रिलायंस पावर है, IRFC है, सन फार्मा है, और यहाँ पर यह है टाटा मोटर, जोमेटो है। नीचे हम आएंगे तो नीचे आपको और भी काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो पहला तो ऑप्शन आपको ये सिलेक्ट करना है, आप चाहो तो इसमें से कोई सा यहाँ पर आप शेयर बाय कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखो कौन से में कितना, आप जितनी आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी प्रॉफिट उसी हिसाब से होगा, ये तो एक शेयर के हिसाब से बता रखा है। बैक आते हैं अभी हम। अब दूसरा आपको ऑप्शन लाना है ऑल स्टॉक पर। ऑल स्टॉक में यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, कौन कौन से यहाँ पर आज की डेट में क्या चल रहा है मार्केट का वो सारे देखने मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर नीचे आओगे तो कौन से ने यहाँ पर कितना कितना प्रॉफिट आज की डेट में दे रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। नीचे हम आएंगे तो नीचे काफ़ी सारे हमें यहाँ पर ऐसे ऐसे शेयर देखने मिल जाएंगे जो आज की डेट में प्रॉफिट दे रहे हैं और अभी फिलहाल में लॉस भी है, क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी मार्केट ओपन हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं। देखो जैसे ये वाला है अडानी इंटरप्राइज है, 4.5% के आसपास का आज की डेट में अभी प्रॉफिट दे रहा है, और भाई शाम तक के पता नहीं है कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, ये भाई किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर बस अपने एक लक के हिसाब से हम यहाँ पर शेयर को बाय कर लेते हैं कि भाई हम ये वाला शेयर बाय कर लेंगे, लेकिन मार्केट शाम तक किस करवट जाती है ये किसी को भी नहीं पता होता है। इसलिए भाई ये रिस्क वाले भी काम होते हैं, इंट्राडे वाले और ऑप्शन ट्रेडिंग वाले, ये दोनों ही थोड़े रिस्क वाले काम लगते हैं मुझे। मैं आपको ज़्यादातर मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग टर्म में, लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों के मुझे कमेंट आ रहे थे तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर अडानी इंटरप्राइज वाला है, यहाँ पर अभी देखो कितना चल रहा है, ठीक है, 4.5 से ऊपर यहाँ पर जा चुका है। तो यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हो, या इसी तरीके से आपको और भी काफी सारे, मतलब आपको इस तरीके से यहाँ पर ना अपने शेयर देखने हैं, ठीक है। ऑल स्टॉक में आप आए हुए हैं तो यहाँ पर हमें ये वाला देखने मिल जाएगा अडानी ग्रीन एनर्जी, ये अभी फिलहाल में लगभग 3% के आसपास, देखो यहाँ पर ये जंप ले रहा है 3% के आसपास। नीचे हम आएंगे यहाँ पर लगभग 5% का अडानी पावर चल रहा है। नीचे हम आएंगे और भी यहाँ पर काफी सारे हमें इस तरीके के शेयर देखने को मिल जाएंगे। दो तरीके आपके यहाँ पर हो गए इंट्राडे ट्रेडिंग को यहाँ पर यूज करने का। तीसरा तरीका यहाँ पर है वो है ये गेनर का,
यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, लार्ज कैप, मिड, स्मॉल। ये लार्ज आपको गेनर वाले ऑप्शन पर ही रखने हैं। गेनर का मतलब ये है कि आज की डेट में कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखो भाई, अडानी एनर्जी एनर्जी सोल्यूशन, ये वाला जो शेयर है भाई, लगभग ऑलमोस्ट 11% के आसपास का आज की डेट में यहाँ पर प्रॉफिट दे रहा है। आप अगर यहाँ पर इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसी तरीके को आपको यहाँ पर देखना है। और सी मोर पर हम क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पर ये 10.5%, ये यहाँ पर लगभग 5% अडानी विल मार। अडानी के जितने भी शेयर है ना भाई, सारे के सारे आज की डेट में काफी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट दे रहे हैं। नीचे हम आते हैं तो और भी काफी सारे शेयर आपको देखने को मिल जाएंगे लार्ज के, यहाँ पर लार्ज वाले ऑप्शन में हम बैक करेंगे इसको। मिड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अडानी टोटल गैस है, ये लगभग 6% के आसपास का प्रॉफिट दे रहा है। L&T फाइनेंस होल्डिंग से ये लगभग हमें दे रहा है प्रॉफिट आज की डेट में लगभग 4% के आसपास का। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हमें मिल रहा है अगर हम इंटरडे ट्रेडिंग भी करते हैं। कोई भी ट्रेडिंग आप कर रहे हो, सबसे पहले आपको उसके बारे में समझना जरूरी है। अगर आप समझोगे नहीं तो भाई आपको कोई खास प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो उसमें समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, स्मॉल वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो भाई, आलोक इंटरप्राइजेस है, ये लगभग 7.5% पे चल रहा है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये कुछ यहाँ पर मैंने आपको तरीके बताए हैं जो आपको यहाँ पर प्रॉफिट देंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में। अब हम इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आपको ऐड मनी करना है, फंड ऐड करना है। जो बैंक आप ऐड करोगे यहाँ पर, उसी बैंक की UPI के थ्रू आपको यहाँ पर पैसा ऐड करना है। अब हम यहाँ पर देखो भाई, ये कितना डाउन हो गया एकदम, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं चलो अडानी एनर्जी सोल्यूशन पर ही मैं क्लिक करूंगा, 4% के आसपास का प्रॉफिट है। वन डे रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न विटर्न हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो हम ले रहे हैं यहाँ पर इंट्राडे, हम लॉन्ग टर्म में तो निवेश कर नहीं रहे, तो हमें बाय पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन है, इंट्राडे पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्राडे इज करंटली अनअवेलेबल, तो यहाँ पर भाई इस वाले पे अवेलेबल नहीं है। दूसरे पे देखते हैं, अडानी विलमार है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये भी होता है कि कौन कौन से पे ये ट्रेडिंग हो जाती है, तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, यहाँ पर इंट्राडे पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी फिलहाल में ये इस पर भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे ख्याल से ये सारों में इनमें नहीं है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और पर। तो यहाँ पर जैसे हम ऑल पर क्लिक करेंगे हमारे सामने और भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं ITC वाले पर क्लिक करूंगा, इस पर देख लेते हैं इंट्राडे है नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, इंट्राडे यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर मार्जिन जो होता है उसमें 5x का होता है, यानी कि जो रेट चल रहा होता है उसका, उससे 5 गुना ज्यादा आपको मिलता है। अभी देखो जिसको जो इसका रेट है 4.79 है। अब अगर मैं यहाँ पर एक या दो एक शेयर अगर मैं बाय करूंगा तो वो पड़ेगा हमें 97 का। अब आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि ये आपको कितना बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँ 5 अगर करूँ तो मेरा लगभग 483 जा रहे हैं, 10 करता हूँ तो मेरे 965 जा रहे हैं, 11 करता हूँ तो मेरे 1000 से ऊपर जा रहे हैं, तो मैं 10 ही कर लेता हूँ। यहाँ पर 965 जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा ये ऑर्डर है वो सक्सेसफुली यहाँ पर लग चुका है। इस तरीके से करके हमने यहाँ पर अपना जो ये ऑर्डर है वो लगा लिया है। अब यहाँ पर हमें टोटल रिटर्न, यहाँ पर अभी हमारा जो रिटर्न है वो यहाँ पर नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि हमें अभी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, नेगेटिव में अभी यहाँ पर हमारा चल रहा है। तो इस तरीके से करके देखो, हमने 10 शेयर यहाँ पर बाय किए, और यहाँ पर आपको ये भी चीज़ देखनी पड़ती है कि भाई कौन सा शेयर जो है यहाँ पर इंटरडे में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी चीज़ यहाँ पर हमने देख ली है। तो अभी 7 रुपये का यहाँ पर हमारा यहाँ पर अभी लॉस जा रहा है, 5 के आसपास चल रहा है। तो ये शाम तक जो भी होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो भाई मैंने आपको यहाँ पर देखो तरीका बता दिया है इंटरडे ट्रेडिंग 2024 में आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये तीन तरीके हैं, ये तीन बेसिक से तरीके हैं, जो आप अगर सीख लेते हो तो इंटरडे ट्रेडिंग आप काफी आसानी से कर सकते हो। और भाई देखो, प्रॉफिट लॉस हमारे हाथ में तो होता नहीं है, जो भी होगा आगे मार्केट के हिसाब से डिपेंड करेगा। चलो मेरे भाई, आज की वीडियो में इतना ही।